हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कोड एप्लीकेशन के बारे में, क्रेडिट कोड ऐप के बारे में, क्रेडिट कोड प्लेटफॉर्म के बारे में कि क्रेडिट कोड ऐप में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्रेडिट कोड में अपना अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्रेडिट कोड में अपना आईडी, अपना रजिस्ट्रेशन क्यों करेंगे। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, क्रेडिट कोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्रेडिट कोड एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से आप मंथली 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक कमा सकते हैं, जहां से आप मेहनत करके अच्छी खासी कमाई करके थोड़ा सा पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके जो है बेहतर इनकम कर सकते हैं, काफी इनकम कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, कोई भी काम नहीं है, फोन है आपके पास, मोबाइल फोन है, तो दोस्तों मोबाइल फोन से ही आप इस काम को कर सकते हैं और मोबाइल फोन का ही ये काम है। दोस्तों, फालतू की इधर उधर चीजों को ना देखने के बजाय अगर आप मोबाइल से सही मोबाइल का सही यूज करेंगे, मोबाइल का सही प्रयोग करेंगे और सही से मोबाइल को यूज करके अगर आप मंथली बेहतर कमाना चाहते हैं, बेहतर से इनकम करना चाहते हैं, एक अच्छी खासी जो है ना अर्निंग्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म भी OneCode के जैसा, ग्रोमो के जैसा ही है। इसमें भी आपको जो है ना, जो सोशल, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो फाइनेंशियल कंपनीज है और ब्रांड्स है, उनके रेफरल प्रोग्राम, रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी रेफरल प्रोग्राम को, रेफरल लिंक को शेयर करके आप जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कंपनीज और वो ब्रांड्स अपने कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने के लिए, यूजर बेस बढ़ाने के लिए अपना रेफरल प्रोग्राम चलाती है, रेफरल लिंक क्रिएट करके रखती है, फिर वो रेफरल लिंक से, रेफरल प्रोग्राम से बहुत ही जल्दी अपनी कंपनी को डेवलप कर देता है। तो दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े ब्रांड से, चाहे वो लोन का कंपनी हो, चाहे वो बैंक अकाउंट्स ओपन करने का कोई कंपनी हो, डीमैट अकाउंट ओपन करने का कोई कंपनी हो, इसी तरह से ट्रेडिंग करने का कोई कंपनी हो, इसी तरह से इन्वेस्टिंग करने का कोई कंपनी हो, इसी तरह से जो भी एकदम से जेन्युइन और लीगल, जो बहुत ही बेस्ट कंपनी है, जो इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े ब्रांड्स है, उन कंपनीज और उन ब्रांड्स का रेफरल प्रोग्राम, रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा। आपको रेफरल लिंक को किसी भी कंपनीज का, किसी भी बैंक का, किसी भी लोन ऐप कंपनी का, किसी भी डीमैट कंपनी का आपको करना क्या है, अपने रेफरल प्रोग्राम को, रेफरल लिंक को शेयर करना है फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और फिर शेयर करके जो भी बंदा आपके शेयर किए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके, आपके शेयर किए हुए रेफरल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके अपना यूजर आईडी बनाता है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाता है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है, सक्सेसफुली अपना प्रोफाइल बना लेता है, कंडीशन के हिसाब से, प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से, हर एक कंपनी का अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, दोस्तों उससे आपकी इनकम जो है ना 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 तक आपकी इनकम होती है और आपकी इनकम हो सकती है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एक एक चीज जो है ना बताऊंगा, एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, देखने के बाद ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें, और हां फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। दोस्तों चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको फुल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसे आपको डाउनलोड करने का लिंक, इंस्टॉल करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक के ऊपर क्लिक करके इसे आपको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट आप प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। प्ले स्टोर में इस तरह से आप इसे आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसे आपको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसके अंदर अपनी आईडी बनाना है, आपको इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपको इसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से अकाउंट क्रिएट करेंगे, दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को भी देखें और सीखें कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे आईडी बनाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस, इसका लुक कुछ इस तरह से शो होगा। अब आपको यहां पर करना चाहिए, देखिए यहां पर परमिशन देना है, ऐप परमिशन। तो ऐप परमिशन देने के लिए नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले यहां पर ऊपर में जो देख रहे हैं ना आप, बाई कंटिन्यू यू एग्री टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी, इसको टिक कर लेंगे, इसको चेकबॉक्स कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ परमिशन दे देंगे आप, अलाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं या फिर साइन अप करना चाहते हैं। पुराने आईडी में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, जो कि पहले से अगर आपका आईडी बना हुआ है तो भी, और नहीं तो यहां पे जो साइन अप का बटन है ना, साइन अप के ऊपर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे आपको एक एक करके एंटर कर लेना है। पांच डिजिट का ओटीपी जाएगा, पांच संख्या का एक नंबर जाएगा, एक कोड जाएगा, उस कोड को यहां पे फिल करना, भर देना है। अगर आपका यह नंबर इसी फोन में रहेगा, जिस फोन से अभी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जिस
इस फोन से अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आईडी बना रहे हैं या लॉगिन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, नहीं तो आप एक एक करके एंटर भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लोन सेक्शन, लोन कैटेगरीज का जो देख रहे हैं आप, लोन कैटेगरीज यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड, तो मैं लोन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको जो है ना एक स्टेप करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको सेल करेंगे, कैसे आप जो है ना शेयर करेंगे। तो लोन कैटेगरीज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब लोन रिगार्डिंग में यहाँ पे देखिए ईयरली सैलरी लोन कंपनी है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते नीचे बजाज मार्केट पर्सनल लोन, बजाज मार्केट पर्सनल लोन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, बजाज मार्केट पर्सनल लोन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जिस आप चाहें तो जिसमें भी चाहें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कितना आपको लोन मिल सकता है, इंटरेस्ट रहेगा, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आप यहां पे एक एक करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। यहां पे जो शेयर लिंक टू लीड है ना, ये शेयर लिंक टू लीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर लिंक टू लीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे कॉपी लिंक भी कर सकते हैं और यहां पे देखिए शेयर नाउ के ऊपर क्लिक करके भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, फ्रेंड सर्कल में, किसी भी जगह में शेयर कर सकते हैं। तो मैंने शेयर नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। शेयर नाउ के ऊपर प्रेस करने के बाद मैं दोस्तों मैं व्हाट्सएप में शेयर करना चाहूंगा तो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए ये ग्रुप है, उसमें मैंने शेयर कर दिया। अब वो शेयर करने के बाद जैसे ही आप लिंक को शेयर करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप खुद भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे, इस वाले पेज में आप आ जाएंगे। यहां पे आपको करना है कि अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहां पे एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एक एंटर करना फिल करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको एक पिन कोड एंटर करना है जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं। देख सकते हैं मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पे फिल कर दिया। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में आप पहुंच जाएंगे, अगले पेज में आप आ जाएंगे। अगले पेज में देखिए यहां पे लिखा है प्लीज वेट, हो सकता है रीडायरेक्टली आप प्ले स्टोर में भी पहुंच जाएंगे इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। यहां पे प्ले स्टोर अभी आया नहीं है, लेकिन इससे पहले एक फॉर्म ओपन हो गया। यहां पे देखिए सेलेक्ट योर प्रोफेशनल प्रोफेशन, तो आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं यहां पे सैलरीड एम्प्लॉय यहां पे चूज कर लिया। सैलरीड एम्प्लॉय चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे फिल करना भरना है, उसके बाद आपको फुल नेम यहां पे एंटर करना है पैन कार्ड के हिसाब से, पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है जिस हिसाब से है स्पेलिंग वगैरह जो भी पैन कार्ड में उसी हिसाब से फुल नेम आप यहां पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जो पिन कोड एरिया है, एरिया का पिन कोड है, वो पिन कोड आप यहां पे टाइप करेंगे पोस्टल कोड। उसके बाद चेक योर ऑफर, नीचे देख रहे हैं ना जो यहां पे एक देखिए आई एक्सेप्ट द टर्म्स, तो इसको आप ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है चेक मार्क है पहले से ही एग्री किया हुआ है उसी तरह से रहने देंगे, दो ऑप्शन है। और इस तरह से रहने के बाद ये देखिए दोनों उसके बाद नीचे चेक योर ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे। चेक योर ऑफर के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे एक एक करके। 6 डिजिट का कोड जाएगा, 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे फिल कर देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर इसी फोन में रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, नहीं तो आप एक एक करके भी मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर का वेरीफाई होते ही आप नेक्स्ट पेज में आपको यहां पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म लेके यहां पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यानी कितना लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं, उसके बाद यहां पे आपका जो है पिन नंबर और जो भी डिटेल्स है यहां पे एक एक करके आप फिल कर देंगे अपने। और उसके बाद आप किस कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, आपने जो टाइप किया ना सैलरीड एम्प्लॉयड, तो किस कंपनी के एम्प्लॉयड हैं और वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर का है, सरकारी है, क्या है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे नेट मंथली सैलरी क्या है आपका, तो नेट मंथली सैलरी भी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करने के बाद दूसरा सबमिट के ऊपर क्लिक करें, नीचे सबसे नीचे ये वाला पेज सही से फिल करने के बाद क्या करेंगे एक एक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जस्ट 5 सेकंड्स के बाद थोड़ा सा चेक होगा, चेक होने के बाद फिर से आप यहां पे देखिए अब नेक्स्ट पेज आ गया, नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन। यहां पे क्या बोल रहा है, यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर अ मैक्सिमम लोन ऑफर ऑफ 30,000 सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम टेंडर ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 30,000 आपका लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ 3 महीने के लिए, और 3 महीने के लिए वो भी कौन सी कंपनी में, एम पॉकेट कंपनी में, यानी एम पॉकेट जो है ना 30,000 तक ही लोन देता है 3 महीने के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे जो गेट इट नाउ है ना, गेट इट नाउ, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लोन अमाउंट आप डाल देंगे सबसे ऊपर में, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड टेंडर मंथ यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत से लोग बैक आ चुका हूँ, वहाँ पे मुझे उतना लोन नहीं लेना है, मुझे लोन की रिक्वायरमेंट थी लेकिन बहुत ज्यादा थी, 30,000 अप्रूव हुआ मेरा, यानी कि मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिल रहा उधर, तो मैं उसको छोड़ दिया। अगर आपको 30,000 रुपये या जितना भी अप्रूव होगा उतना ही अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नीचे गेट इट नाउ का ऑप्शन रहेगा, गेट इट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस एक एक करके कंप्लीट करके आप लोन पा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज जो है ना शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में 9 कंपनी है, देखिए 5 मनी
सेविंग अकाउंट, यहाँ पे जुपिटर सेविंग अकाउंट, कोटक 811 सेविंग अकाउंट, यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट, उसके बाद नीचे जो है दोस्तों आपके सामने एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट, एस बैंक, उसके बाद न्यू ग्लोबल, उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे लोन, उसके बाद यहाँ पे डीमैट अकाउंट, एक एक कैटेगरीज का दो चार पांच मल्टीपल कंपनी है, एक से ज्यादा कंपनी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप जिस भी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, मान के चलिए आप बजाज फाइनेंस का ये जो क्रेडिट पे लेटर है इसको आप सेल करना चाहते हैं, तो पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेनिफिट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हाउ टू अर्न, यहाँ पे कुछ क्यूरीज है, कुछ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ पे एक एक सारी चीजें एक एक करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें एक एक करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, इंस्टेंट अप्रूवल, डिजिटल कार्ड, नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायरमेंट, का कार्ड फी जो है ना 530 रुपए, यहाँ पे कैन गेट अप टू 2 लाख लिमिट, यानी कि ये जो फाइनेंस क्रेडिट कार्ड है ना 2 लाख लिमिट आपको यहाँ पे मिल रहा, और ये जो रीपेमेंट टेंडर है ना, ये रीपेमेंट टेंडर का 3 से लेके 24 महीने आपको रीपेमेंट करने का टाइम मिलेगा। यहाँ पे हाउ टू अर्न, यानी कि आप जो है ना इसको कैसे, ये जो 200 रुपये आप कमाएंगे ना, ये 200 रुपया किस तरह से कमाएंगे, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक एक चीज दिया हुआ है, एक एक चीज यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, और इसी के आधार पर आप जो है ना एक एक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इसी के आधार पर इसको सही से पढ़ के ही आप जो है ना एक एक चीज को करने की कोशिश करेंगे। बैंक अकाउंट्स में अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फाइव मनी सेविंग अकाउंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस है, आप यहां पे एक एक चीज पढ़ सकते हैं ऊपर से। यहां पे जो आपकी जो ये जो अर्निंग होगी, जो 450 रुपए, कोई भी बंदा अगर आपका रेफरल लिंक से कोई भी बंदा अपना ये एफआई मनी सेविंग अकाउंट खोल लेता है, अपना अकाउंट ओपन कर लेता है, खाता खोल लेता है इस वाली कंपनी में, तो दोस्तों 450 रुपए आपको मिलेगा, 450 रुपए की आपकी अर्निंग होगी। जी हां, आप कमाएंगे कैसे, तो ये सारी चीजें एक एक करके आप उसको बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर ओनली वन इंसान, जो भी इंसान है, जो भी बंदा आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना आईडी बनाएगा, अपना अकाउंट ओपन करेगा, अपना खाता खोलेगा इस बैंक में, तो दोस्तों अगर खाता खाली खोलता है तो 150 रुपए मिलेगा, और अगर क्या है डिपॉजिट करता है, यानी कि 300 रुपए अगर डिपॉजिट करता है तो 300 रुपए उसको मिल जाएगा। इस तरह से ये कंडीशंस है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, किसी किसी में जो है ना डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो जुपिटर है ना, ये जुपिटर में आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हाउ टू अर्न में जाएंगे तो यहां पे देखिए, एसी ओपन पे 100 रुपए, और यहां पे डिपॉजिट अगर करेंगे 500 रुपए तो आपको 200 रुपया मिलेगा। यहां पे यू स्मॉल फाइनेंस है ना, इसमें भी आप देख सकते हैं एसी ओपन करने का। जी हां, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल फाइनेंस में एसी ओपन करने का ही आपको 600 रुपया मिल रहा है। यहां पे देख सकते हैं डिपॉजिट उपजिट कुछ भी नहीं करना। देखिए तो दोस्तों एकदम आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, 600 रुपया आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर अपनी आईडी कैसे बनाएंगे, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, पेमेंट मेथड्स कैसे सेटअप करेंगे, केवाईसी कंप्लीट कैसे करेंगे, प्रोफाइल कैसे सेटअप करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, और अगर आपको एक एक चीज मेरे थ्रू करवाना है, यानी आपको नहीं आता है, आप करना नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको आपका अकाउंट ओपन करके दूंगा फ्री में। जी हाँ, आपका अकाउंट मैं आपको ओपन करके दूंगा, वो भी फ्री में। जी, फिर एक भी पैसा नहीं लूंगा, बस आपको जो है ना जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं आपको आपका सक्सेसफुली इस क्रेडिट कोड एप्लीकेशन में अपना आपका आईडी बना के दे दूंगा। और आपको कुछ भी करना हो, कभी भी कुछ इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भविष्य में कभी भी कुछ पूछना हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तक यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे पसंद करें, लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।